दोस्तों ये सत्य है कि खुद को जितना रगड़ेंगे आप उतना ही चमकेंगे। इसलिए ये कभी मत पूछिए कि 4 घंटा पढ़ने से या 2 घंटा पढ़ने से मेरा किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि भैया 2 घंटा 3 घंटा पर डे पढ़ने से क्या ALP में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट करते हैं कि 6 महीना अगर हम कंटिन्यू पढ़ें तो क्या मेरा ALP में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको यही बोलेंगे, हमेशा किसी भी कहीं पर भी अगर किसी से भी आप पूछेंगे वो आपको हमेशा यही बोलेगा कि जितना टाइम है अभी आपके पास, जितना टाइम है खुद के पास, जितना टाइम है सारा टाइम उसमें लगा दीजिए। जितना आप टाइम देंगे, जितना समय आप उसमें ज़्यादा देंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। और इसलिए ये कभी मत सोचिए कि 4 घंटा पढ़ने से, 3 घंटा पढ़ने से या फिर 6 मंथ पढ़ने से मेरा हो जाएगा। दिमाग में ये रखना है दोस्तों, जब तक आपका वैकेंसी नहीं आ जाती, आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आपका जब तक की वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक आपको कंटिन्यू लगे रहना है उसके ऊपर। हमने आपका रूटीन बनाया है कि 1 घंटा मैथ पढ़ो, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ ले, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लें, 2 घंटा फिर हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, या 1-1 घंटा प्रत्येक सिलेबस को हम पढ़ रही हैं। हम आपका सिलेबस का रूटीन बनाए हैं, ये नहीं बोले हैं कि 4 दिन भर में अगर आपके पास 12 घंटा है, 12 घंटा में 4 घंटा का हम रूटीन बना देते हैं, 4 घंटा पढ़ रहो, हम वो नहीं बोले हैं। हम बोले हैं भैया ऐसा टाइम, जैसे आपके पास अगर 5 घंटा है, 8 घंटा है पर डे का, तो 8 घंटा के अंदर में ऐसा रूटीन बनाओ कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस को हम कवर कर पाएँ। हाँ, प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस को हम कवर कर पाएँ, वैसा रूटीन बनाओ खुद के टाइम टेबल के अनुसार। अगर आपके पास 12 घंटा है, 10 घंटा है, कंटिन्यू आप 10 घंटा पढ़ पा रहे हैं डेली, तो वैसा टाइम टेबल बनाओ कि प्रत्येक दिन मेरा जो आपका सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल जितना भी सिलेबस है आपका, ओवरऑल 10 सिलेबस है आपका, तो सारे एक दिन में कवर हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों, प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस का जो टॉपिक है उसको कवर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आज फिजिक्स पढ़ लिया 2 घंटा बैठ के, फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगता है साइंस पढ़ने में, फिजिक्स उसमें भी तो हम फिजिक्स पढ़ लिया 4 घंटा बैठ के, बाकी मैथ गायब हो गया, हिस्ट्री गायब हो गया, तो फिर इसमें क्या होगा, आप भी गायब हो जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये 100% सत्य है। इसलिए रिजल्ट देना है तो आप प्रत्येक सिलेबस को प्रत्येक दिन कवर कीजिए, आप इसी तरह ग्रो करेंगे। और दिमाग से निकाल दीजिए कि 4 घंटा आज पढ़ना है या 4 घंटा हमको पढ़ने से हो जाएगा या फिर 6 मंथ पढ़ने से हो जाएगा। आप कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू उसके ऊपर काम कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। हम हमेशा बोलते हैं अगर आप डेली का रूटीन बना लेते हैं, 8 घंटा अगर आपके पास समय है, 8 घंटा का रूटीन बना लीजिए, तो उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए, तो फिर आपका हो जाएगा। धन्यवाद।